देखिए, जिंदगी में जो हमारा पैशन होता है ना, वो हमें सबसे अलग बनाता है, बेहतर बनाता है और कहीं ना कहीं कुछ हटके करने के लिए इंस्पायर जरूर करता है ना। हमारी मस्त और बिंदास पायल सिन्हा मैम, वो तो अपने पैशन के जरिए कुछ हटके ऑलरेडी कर चुकी हैं। तो क्या किया है उन्होंने हटके, आइए उनसे जानते हैं। सो लेट्स वेलकम पायल सिन्हा मैम ऑन द शो। थैंक यू नमिता। तो जैसे मैं कुछ हटके की बात कर रही थी कि आपके क्लिनिक में सारी चीजें हो सकती थी पॉसिबल, लाइक अदर सैलॉन्स या ब्यूटी पार्लर्स, है ना, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ स्किन केयर और हेयर केयर पे ही क्यों फोकस किया? आप किसी और चीज का क्यों अपॉइंटमेंट नहीं लेती हैं? खाली स्किन और बालों का ही रखा हुआ है, और सारी सुविधाएं होते हुए भी खाली इन्हीं दोनों पे, इसलिए क्योंकि मेरी अपनी प्रॉब्लम्स थी और इस पे काम करने से हमें एक परफेक्शन फील होता है। अपॉइंटमेंट इसलिए है कि कोई किट है नहीं हमारे पास, तो आपके जो कॉल्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को सामने के सामने तैयार करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए अपॉइंटमेंट सिस्टम रखा है। अब तक की अगर बात करें पायल जी, तो अब तक का आपका फेशियल में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? सिंगर तुलसी कुमार का। वाह, ओके। जितनी आवाज उनकी मीठी, उतना ही उनका स्किन एंड गोरी सुंदर एंड ब्यूटीफुल टेम्परामेंट। सब कुछ होते हुए भी जिस तरह से वो डाउन टू अर्थ थी, हमें कॉपरेट कर रही थी कराने में, चीज हमें बहुत टच कर गई कि ऐसा भी होता है, ये भी हटके है। बेसिक कल्चर भी उनका, उनके पूरा उनके बिहेवियर में दिख रहा था। एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा फ्रूट फेशियल का। चलिए, वैसे ये तो फेशियल की बात हुई, आप तो हेयर केयर भी बहुत अच्छे से करती हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो अब तक का आपका जो बेस्ट लगा हो आपको, कि किसी का हेयर ट्रीटमेंट कर रहे हो एंड बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आया हो? हेयर केयर का नमिता एक एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था कि उसको एक लड़की थी, उसको देखने आ रहे थे लड़का, तो हमने क्या किया था कि हमने ये ऑयल लगाया था उसके, और ऑयल लगाने के बाद यहीं अपने ही पार्लर में उसका ऑयलिंग करने के बाद इससे शैम्पू कर दिया था, और ये हीना थी, ये मैंने पहली बार से बिल्कुल सीक्वेंस वाइज किया था। इस हीना को हमने एलोवेरा में मिक्स करके 2 घंटे के लिए लगा दिया था, और साथ में ही ये जो फेस पैक था उसको पापाया पल्प में मिला के उसके लगा दिया था। 2 घंटे उसने हमको दिए थे, और वो लड़की मतलब सांवला कॉम्प्लेक्शन था उसका, एंड शी वॉज जस्ट एवरेज, एंड जो लड़का था वो काफी खूबसूरत था और डॉक्टर था, तो वो प्रेशर में बहुत थी कि, और मेरे लिए भी एक चैलेंज था। अब चाहे इसको कोइंसिडेंस कहिए चाहे कुछ कहिए, ये जो करा उसके बाद और पापाया वाला फेस पैक हटा के उसका मुंह धोया, और वो बिना मेकअप के गई थी, क्योंकि वो भी मेकअप के फेवर में नहीं थी, वो चाहती थी मेरी रियलिटी उसको दिखे। तो क्या हुआ कि उसका जो इफेक्ट आया और वो शादी तय हो गई, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। और कभी कुछ ऐसा भी हुआ है कि आपने सोचा हो कि ऐसा ट्राई करती हूँ अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन ऐसा लगा हो कि हाय राम ये क्या कर दिया मैंने, हुआ है कभी ऐसा? क्यों कर दिया? वो एक्सपीरियंस था मेरा हस्बैंड का फेशियल। हस्बैंड का फेशियल? जी हाँ। राम राम, सबसे डिफिकल्ट काम रहा होगा तब तो। मैं बड़ा अच्छा लगा जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरा फेशियल कर दो, पूरा पिगमेंटेशन हो रहा था दोनों चीक्स पे। तो हमने जब उनका फ्रूट फेशियल किया, जो स्टार्ट करते ही हमने फील हुआ, क्योंकि इतने सारे ये क्या हो रहा, अरे इसमें तो स्मेल आ रही है, इसमें तो पपीते में बदबू आ रही है, इसमें ये नीम में बदबू आ रही है, इसमें मतलब ऐसा लग रहा था सब कुछ गड़बड़ है। और हम करे जा रहे हैं, नॉट फीलिंग लाइक दैट कि अरे ये वो फेशियल नहीं लग रहा है जिसमें अच्छी अच्छी स्मेल्स आती है, खुशबू आती है, फेशियल मतलब जनरली अच्छा समझते हैं। और फ्रूट फेशियल में क्या होता है कि किसी भी चीज की कोई स्मेल नहीं होती है, इट्स टोटल रॉ, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। तो जब फेशियल हो गया तो हमें एकदम कॉम्प्लीमेंट कुछ मिला ही नहीं उनकी तरफ से। तो हमने जब उनका फेशियल कर लिया, उसके बाद जब वो आए बाहर बाथरूम में नहा के अपना ऐसे से फेस साफ कर रहे थे, मैं आज भी वो सीन याद है नमिता, ही वाज वेरी हैप्पी। तो जब वो ऐसे देख रहे थे, बोले कि अच्छा तो है, अच्छा तो हो गया, तो हमें ये तो वर्ड बहुत खराब लगा, हमने कहा तो क्या होता है? अच्छा तो है मतलब कॉम्प्लीमेंट देने में भी कंजूसी कर दी यहाँ पे हस्बैंड ने, और जबकि मन ही मन खुश हो रहे थे, देखिए अच्छा तो है, इतना मतलब एफर्ट डाला है उसमें तो क्यों लगना है भाई, मतलब अच्छा तो होना ही था, हमारे प्रोडक्ट अच्छे, तो वही हमें ऐसा फील हुआ कि घर की मुर्गी दाल बराबर। सच बता रहे हैं, हमें यही फीलिंग हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा पायल मैम, आपके क्लिनिक ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके क्लिनिक को कुछ हटके बनाती हैं? देखो क्लिनिक में हटके ये है कि अपॉइंटमेंट सिस्टम है, नोबडी कैन एंटर विदाउट कॉल, ऐसे नहीं आ सकता कि रोड पे चलते हुए कि हमें फेशियल कराना ब्लीच कराना, नो एंट्री। म्यूजिक चल रहा होगा, अब हमारे यहाँ तो बहुत सूदिंग सा एटमॉस्फेयर, हमारे यहाँ ज्यादातर मेडिटेशन के वो चलते रहते हैं धीरे धीरे, हाँ वो चलते रहते हैं, और लोग मॉडल्स की पिक्स लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पेड़ पौधे हार भी लग रहेंगे, तो एक हर्बल पूरा है एटमॉस्फेयर, एक हर्बल एहसास आपको अंदर आने पे होगा। तो ये चीजें थोड़ा हटके आप कह सकती हैं, मतलब हमारा फेशियल हमें अपने में उससे लव है पूरा,
और फेशियल आज भी फेशियल हम ही करते हैं, और मेरा पूरी कोशिश रहती है कि फेशियल करें जिसका वो सो जाए. तो वो सोना, उसको सोनाने का मतलब है कि वो लाइट हो गया पर्सन, तो आई फील माई सेल्फ लाइट. तो उस समय हम हल्का म्यूजिक चलाते हैं, कपूर परमानेंट चलता रहता है. पार्लर्स में होता है, आप एंट्री की आपने देखा सारे अलमारी में कॉस्मेटिक्स लगे हैं ऊपर से नीचे तक. हमारे यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ आपको फल रखे मिलेंगे, फ्रूट्स रखे मिलेंगे, सूप होगा, छन्नी होगा, पीसना होगा, पत्थर होगा, चकला होगा, चंदन होगा, तो सारी चीज रॉ मटेरियल्स में होंगे. आई फील हटके, क्योंकि वो हम खुद तैयार कर रहे होते हैं. तो जो एटमोसफियर है वो इंटरनल पीसफुल देने की कोशिश होती है. वहां पे कोई सड़क चलते नहीं आ सकता है. तो इस बात को लेकर कई कई बार फंसता भी है मामला. अब रनिंग मार्केट है, अब आई कोई फेशियल कराना है, ब्लीच कराना है, तो मेरा नहीं होता है. क्यों नहीं होता, आपने फिर खोला क्यों है यहाँ पर? तो फिर उनसे ये कहते हैं कि आप YouTube पे एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में आता है. क्योंकि जब आपका फेशियल होगा तो अकेले होगा, तब उस समय और कोई नहीं होगा, तब तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बिल्कुल पूरा पर्सनल टच हो रहा है, और बिल्कुल हम बिंदास हैं, मस्त होके पूरा ध्यान हम पे दे रही है, और जो जिम्मेदारी ले रही है अपनी, है ना. तो जो आपके साथ अभी हो रहा है वो अगले के साथ फिर होगा जब वो अपॉइंटमेंट लेके आएगा. तो ये सिस्टम टोटल मिला करके एक जर्नल जो क्लिनिक्स होते हैं या पार्लर्स होते हैं, वो बिल्कुल इसका हटके है. ये अब ये जैसा भी है पर है हटके, जैसा भी है मगर हटके है. कई बार ऐसा हुआ, आप आई अपॉइंटमेंट ले लिया कि हमें फ्रूट फेशियल कराना है और बालों का ट्रीटमेंट कराना है. अब आप जब सामने आए, अब आपका फेस तो मस्त लग रहा है एकदम, तो कई बार फेशियल हम नहीं भी करते हैं, और दिख रहा है कि बालों में मेजर प्रॉब्लम है. मेजर प्रॉब्लम में हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हम इसको ठीक कर लेंगे, पक्का हमें विश्वास होता है. तो उनसे ये प्रॉपर मीटिंग होती है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप कराना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम जो मेजर है वो करवाओ. जरूरी नहीं कि अपॉइंटमेंट ले रहे तो आप कराओ. फिर हम बालों का अगर लगता है तो बालों का करते हैं. जो हमें खुद मेरे इंट्यूशन बोलता है कि ये चीज इनका कर दो, इससे उनको फायदा होगा. देखो पर्पस तो यही ना, जो आने वाला उसका काम सॉल्व हो. एंड दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, क्योंकि सलॉन्स में अक्सर क्या होता है कि आप ट्रीटमेंट लेने जाते हो या आप नॉर्मल वैक्सिंग कराने भी जाते हो या थ्रेडिंग कराने जाते हो, आपको और सारे ट्रीटमेंट्स के लिए कहा जाता है ना, या इस तरह की चीजें होती है कि आपको, है ना. ये चीज हम एक और बताएंगे कि हम कभी क्लिनिक पे जब हम पहले फर्स्ट ब्यूटिशियन एज अ फर्स्ट ब्यूटिशियन जॉब करते थे कहीं, तो वहां पर हम लोगों से कहा जाता था कि कस्टमर को बताओ कि अरे अरे आपका क्या हो गया है, आपको ये कराना चाहिए, आपको तो ये कराना चाहिए. हमने भी किया, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमने किया. एंड आई फील गिल्ट, मतलब आई डोंट लाइक आफ्टर दैट. हाँ, एक कभी मन में आता था अगर कभी मेरा हुआ तो किसी को नहीं फोर्स करेंगे कि तुम हमारे यहाँ कराओ या ये प्रोडक्ट खरीदो, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लग रहा है खरीदो, नहीं अच्छा लग रहा है कोई बात नहीं. वैसे भी लर्निंग से ज्यादा मुझे लगता है अनलर्न करना बेटर है और वही आपको कुछ हटके करने के लिए जरूर इंस्पायर करता है. तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ हटके करते रहिए. वेल मैम, आज की कौन सी ऐसी टिप है जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहोगे? आप जो भी काम करते हैं, जो भी कर रहे हो, उसमें आपकी जो गुड फीलिंग बोल रही है, जो आपका अंदर मन कह रहा है, वही करिए. ये मत सोचिए कि सारे लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, आजकल तो ऐसा नहीं हो रहा है. जो हो रहा होने दीजिए. हमको जो ठीक लगता है, हमको जो तौर तरीका ठीक लगता है, अगर उसमें दम होगा तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अपनाना शुरू कर देंगे. पर उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा कि ये मेरा हटके रियल हटके है. बिल्कुल सही. थैंक यू सो मच मैम फॉर वंस अगेन शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल टिप. थैंक यू.